अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.5 का टॉपिक शिफ्टिंग ग्राफ का जो क्वेश्चन है 25 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस के अंदर इसके जो बाकी के क्वेश्चंस थे यानी प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने उन लेक्चर वीडियोज़ को नहीं देखा है और आपको उन क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो लेक्चर वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलिए हम अपनी लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है वाई इक्वल्स टू 2x-7 और इसको हमें शिफ्ट करना है कितना, अप 7 के ऊपर हमें इस फंक्शन को अपने शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर वाई फाइंड आउट करते हैं, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स निकालते हैं और फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेती हूँ। पहली वैल्यू मैं ले लेती हूँ एक्स को 0, फिर मैं ले लूँगी एक्स को 1 और उसके बाद फिर मैं x को ले लूँगी 2, देन मैं x को ले लूँगी -1 और उसके बाद फिर मैं x को ले लूँगी -2। ठीक है, तो जब मैं x को 0 लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 -7। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं लूँगी तो y मेरे पास आएगा, मैं इसको डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, y मेरे पास आएगा -7। इसी तरह से फिर यहाँ पे जब मैं x की जगह पे 1 रखूँगी तो 2 - 7 मेरे पास क्या आएगा, -5। y क्या आ जाएगा मेरे पास, -5। इसी तरह से फिर जब मैं x को जो है यहाँ पर 2 रखूँगी तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, और 4 - 7 आपके पास क्या आता है, -3 आता है। इसी तरह से फिर आप x को आप यहाँ पे -1 रखो तो ये क्या हो जाएगा, -2 - 7। तो -2 - 7 इज y इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास -9। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे x को -2 रखो तो ये हो जाएगा -4 - 7। तो जो आपका y आएगा वो आपके पास कितने के इक्वल आ जाएगा, -11 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास आ चुके हैं पॉइंट्स जिन्हें मुझे पहले क्या करना है, प्लॉट करना है। लेकिन उससे पहले मुझे शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन को भी निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं शिफ्टिंग ग्राफ। ठीक है, अब शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन कैसे निकलती है, वाई के साथ आप के लगा लेते हो और इसके एक्स के साथ आप एच लगा लेते हो, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आप लिखो वाई माइनस के इज इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह आएगा एक्स माइनस एच और ये फिर -7। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इस के और एच की वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। के और एच की वैल्यू हमें इससे पता लगती है। अब 7 का क्या मतलब है, वाई एक्सिस की बात हो रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि मेरे पास के की वैल्यू 7 गिवन है जबकि एच की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं गिवन, 0 गिवन है। तो ये हो जाएगा वाई -7 इक्वल्स टू 2x - 0 - 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई -7 इक्वल्स टू 2x - 7। फिर ये -7 और ये -7 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 2x। ये मेरे पास शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन आई है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है कि इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करती हूँ। तो मैं स्केलिंग कर लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको प्लॉट करना सिखाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आपको स्केलिंग मेरी नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो स्केलिंग की है ना, ये मैंने बहुत प्रॉपर की है। प्रीवियस लेक्चर वीडियोज़ के अंदर मैंने स्केलिंग इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉपर नहीं की थी, अंदाजे से की थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर लेने की एक वजह है जो मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए अब मुझे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ये देखिए मेरा पहला पॉइंट है, आप इन पॉइंट्स को अपने पास कहीं रफ में लिख लें ताकि बार बार अगर मैं इस तरह से कभी ऊपर लेके आऊँगी कभी नीचे तो आप लोग को खुद कन्फ्यूजन होगी। सो आप अपने पास इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ पर बताने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट आया था एक्स इक्वल्स टू 0 पे, वाई जो था वो -7 था। तो 0 और -7 कैसे होगा, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये रहा मेरा पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास जो है वो था एक्स इक्वल्स टू 1 पे, वाई जो था वो -5 था। तो एक्स इक्वल्स टू 1 ये रहा और -5 कहाँ आएगा आपका, ये 1 2 3 4 5 ये रहा। ठीक है, उसके बाद फिर जो मेरा दूसरा पॉइंट था यानी तीसरा पॉइंट जो था वो था एक्स इक्वल्स टू 2 पे, वाई जो था वो -3 था। तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे वाई जो है वो -3 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से फिर मेरा जो चौथा पॉइंट था वो था एक्स इक्वल्स टू -1 पे, वाई मैं -9 था। तो -1 के ऊपर वाई जो था वो -9 वो आपका आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 यहाँ पर आएगा आपका।
ठीक है, तो ये आ गया मेरा चौथा पॉइंट। और अब पांचवा और आखिरी पॉइंट है, x इक्वल्स टू नेगेटिव टू पे y जो है वो नेगेटिव 11 है। तो ये नेगेटिव टू और ये क्योंकि मेरे पास नेगेटिव 9 था तो इससे दो नीचे होगा मेरे पास नेगेटिव 11। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया नेगेटिव 11। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन करके आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आई है आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं स्केलिंग इम्प्रॉपर करती ना तो मेरे पास ये एक्चुअल स्ट्रेट लाइन ना आती, फिर आप लोग को जो है ना वो कन्फ्यूजन होती। इसलिए मैंने आप लोग को इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉपर स्केलिंग करके दिखाई है। ठीक है जी, इसके बाद अब मेरे पास ये वाली जो मतलब लाइन आई है ये किस वाले की आई है, ये मेरे पास इस वाले की आई है, वाई इक्वल्स टू 2x-7। तो आप इसके ऊपर लिख लो कि ये वाली जो है वो किसकी है, वाई इक्वल्स टू 2x-7 वाले के लिए है। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना था, अब 7 शिफ्ट करना है, यानी 7 ऊपर इसको शिफ्ट कर देना है। तो देखो मेरे पास इसका जो ओरिजिन आया था वो क्या आया था, ये 0-1-2-3-4-5-6-7। इस -7 को जब आप अप 7 करोगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इस ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा। तो ये रहा मेरे पास पॉइंट। ठीक है, और अब आप क्या करो कि इस पॉइंट के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को इस तरह से लेकर के जाओ, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें शिफ्टिंग ग्राफ के अंदर अपना शेप या साइज़ चेंज नहीं करना होता, हमें सिर्फ उसको शिफ्ट करना होता है। तो जब आप ऐसे एकदम यानी ऐसे, मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ, देखो ये मेरे पास है लाइन। ठीक है, इसी को आप इस तरह से यूँ ले करके आ जाएं, और ये जो ओरिजिन है जो के अब 7 पर आया है उसके ऊपर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो सिंपली। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला जो मेरे पास आया है ये शिफ्टिंग ग्राफ आया है जिसकी इक्वेशन क्या आई थी, वाई इक्वल्स टू 2x, तो वो आप यहाँ पे लेबल कर दो वाई इक्वल्स टू 2x। तो ये मेरे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन को मुझे डाउन 5 और राइट 1 शिफ्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे और y फाइंड आउट करेंगे। तो एक दफ़ा मैं x को जो है वो 0 ले लूँगी, फिर मैं x को जो है वो 1 ले लूँगी, उसके बाद मैं x को जो है वो 2 ले लूँगी, फिर मैं x को -1 ले लूँगी और फिर मैं x को -2 ले लूँगी। ठीक है, तो ऐसा करने पे यहाँ इस x की जगह जब मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो मेरे पास जो x इक्वल्स टू 0 पे y आएगा वो आएगा 11/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5.5। ठीक है, देन फिर मेरे पास x इक्वल्स टू 1 रखने पे यहाँ पे जो मेरा y आएगा वो आएगा 6। उसके बाद फिर x को 2 रखने पे जो मेरा y आएगा वो मेरा आएगा 13/2 के इक्वल विच इज़ इक्वल टू 6.5। देन फिर मेरा x को जो है वो -1 रखने पे जो मेरा y आएगा वो आएगा 5। और उसके बाद फिर x को -2 रखने पे जो मेरा y आएगा वो आएगा 9/2 के इक्वल विच इज़ इक्वल टू 4.5। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ चुके हैं जिन्हें मुझे प्लॉट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेजन निकालनी है। तो आप यहाँ पे लिख लो शिफ्टिंग ग्राफ। ठीक है, उसके बाद अब हम इक्वेजन लगाएंगे। तो यहाँ पे y के साथ k और x के साथ आप h ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y-k इक्वल्स टू 1/2, ये x-h+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 x-h+1 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये +5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे h और k की वैल्यूज़ पुट करनी है। h और k की वैल्यूज़ आती हैं यहाँ से डाउन 5। डाउन 5 का मतलब क्या है, -5। और ये किसकी वैल्यू है, ये मेरे पास k की वैल्यू है, क्योंकि अगर डाउन है तो मतलब y एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, और नेगेटिव y एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इस 5 की वैल्यू बेसिकली क्या है, -5। ठीक है, तो यहाँ पे एक वो -5 और एक ये वाला नेगेटिव मिलके दोनों को पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा y +5 इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स। अब h की क्या वैल्यू है, h की वैल्यू है -1। इसका मतलब है कि 1 मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। राइट का मतलब पॉजिटिव 1 है। तो ये हो जाएगा -1 + 1 + 5। ठीक है, तो अब ये -1 + 1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 1/2 एक्स। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और +5। अब ये +5 इस +5 को कैंसिल करेगा तो जो मेरे पास शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन आएगी वो आएगी y इक्वल्स टू 1/2 एक्स। ये मेरे शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, मुझे इन वाले पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पे और उसको फिर इन दोनों के मतलब इतना इतना क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, ये मैंने ग्राफ की स्केलिंग कर ली है। मैंने बेसिकली प्रीवियस वाले ग्राफ से दोनों लाइंस को जो है वो इरेज कर दिया है और वही वाली मैं स्केलिंग यूज़ कर रही हूँ। तो जो मेरे पॉइंट्स थे वो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे ये पॉइंट्स थे, ठीक है। इनको आप जल्दी से कहीं वीडियो को पॉज करके रफ पे लिख लें और अब हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो पहला पॉइंट था वो था एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई जो है वो 5.5। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई जो है वो 5.5, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बीच में 5.5 मेरा यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा था एक्स इक्वल टू वन पे वाई जो था वो 6 था, तो एक्स इक्वल टू वन पे जो मेरा वाई है 6 वो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट था x इक्वल्स टू टू पे y जो था वो 6.5 था, तो x इक्वल्स टू टू ये रहा, अगर ये 6 है तो 6.5 आपके पास यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था वो था x इक्वल्स टू नेगेटिव वन पे y जो था वो मेरा 5 था, तो ये रहा नेगेटिव वन और इसके ऊपर ये 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा, ठीक है। तो नेगेटिव वन के ऊपर आप ये प्लॉट कर लो, सही। और उसके बाद जो मेरा लास्ट पॉइंट था वो था x इक्वल्स टू नेगेटिव टू पे y 4.5 था, तो ये नेगेटिव टू और ये 4 है, ठीक है। सॉरी, ये नेगेटिव टू ऐसे है तो ये 4 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मेरे पास होगा 4.5, ठीक है। तो ये भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी जब आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो अब आप इसको इस तरह से करके ना ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट को बेसिकली प्लॉट करना है। सॉरी, प्लॉट तो मैं कर चुकी हूँ, मुझे इसको शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना था, मुझे इसको शिफ्ट करना था डाउन 5 और राइट 1 के ऊपर, ठीक है। तो मेरा ये था मेरा पहला पॉइंट, ठीक है। x इक्वल्स टू जीरो पे जो y आ रहा था मेरे पास वो कितना आ रहा था, नेगेटिव 7। नहीं नहीं सॉरी, मैं प्रीवियस क्वेश्चन को देख रही थी। x इक्वल्स टू जीरो पे जो मेरा y आ रहा था वो आ रहा था मेरा 5.5। इससे मुझे डाउन 5 और राइट 1 पे शिफ्ट करना है। तो डाउन 5 अगर आप आओगे तो ये देखो आपके पास कहाँ पे आ रहा होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये यहाँ है ना, तो इससे थोड़ा सा और नीचे, यानी 5.5 से नीचे 4.5 पे 3.5, 2.5, 1.5 और ये 0.5, यानी इस तरह से करके आपके पास आएगा ऑलमोस्ट ओरिजिन के करीब करीब, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना था कि इसको मुझे राइट 1 पे भी लेके जाना था। तो ये 0 है, राइट 1 मेरे पास कहाँ, यहाँ पर आएगा, 1 के ऊपर आएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, देखें 5.5 से डाउन 5 जब आप आओगे तो ये ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है। और राइट 1 पे भी मुझे शिफ्ट करना था, तो ओरिजिन और ओरिजिन से राइट 1 क्या है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ जो है उसका ये ओरिजिन होगा और यहाँ पे मेरा ग्राफ शिफ्ट होगा। तो आप कैसे करो, आप इसी लाइन को इस तरह से स्केल पे लेके आओ, ठीक है, और स्केल को यूं ड्रैग करते हुए आप 1 के ऊपर ले आओ और उससे अपनी लाइन को क्या करें, आप अपनी लाइन को आप इस तरह से प्लॉट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जब आप प्लॉट करोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से टेढ़ा हो गया, इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा, शिफ्टिंग ग्राफ। अब ये वाली जो थी ये मेरे पास किसकी थी, ओरिजिनल क्वेश्चन की, जो कि था y इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस 1 प्लस 5, और ये जो आया है वो शिफ्टिंग ग्राफ का आया है जिसकी इक्वेशन मेरे पास क्या बनी थी, y इक्वल्स टू हाफ एक्स बनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 और 25 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।